अरे का वो तू महारानी को आशीर्वाद दे रहा है। तू पंडित है कि ब्राह्मण है कि तू क्या है, साधु है? लगता है ये मर जाएगा। साधु तो नहीं है, तू आशीर्वाद दे रहा है। एक आदमी को सब आदमी मार रहे हैं। हम बाबू पंडित जी ना है तो क्या है साधु? हाँ मैं पंडित जी का बेटा बाबा जी। वो मेरी महारानी है, मुझे प्रणाम कर रही है और आशीर्वाद ये दे रहा है। बड़ा आशीर्वाद देने वाला आया महारानी। हाँ क्या बात है महारानी? आज शायद तू मुझसे कुछ कहना चाहती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं कुछ कहना ही चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ महारानी? स्वामी जी हेलो, कि हम दोनों पुराने का आज शुभ दिन है। शुभ दिन? हाँ आपको पता नहीं है शुभ दिन क्या होता है? ए महाराज जुलमी, शुभ दिन क्या होता है? ना जो नहीं, जंतर में मंतर मारल पड़ता हूँ। जंतर में मंतर? हाँ हमको न ओझा है। शुभ दिन सोमार। अच्छा शुभ दिन सोमार। शुभ दिन सोमार। शुभ दिन सोमार। शुभ दिन सुहाग। शुभ दिन सुहाग रे का मुझे सुहाग रात के बारे में बता रहा है। शरप इतना मारूंगा तुझे ऊपर कर दूंगा। तू स्वामी जी आप घुमा फिरा के नहीं समझते हैं। मैं समझता हूँ लेकिन बाद में समझता। तो स्वामी जी महारानी ऐसी नहीं बोलूंगी तो मेरा सपना अधूरा ही रह जाएंगे, इसलिए मैं सब कुछ कह देना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ महारानी? अब पति पत्नी हो ही गए तो शर्माना क्या है? अब तो शर्माने की बातें नहीं है। तो स्वामी जी अब हम लोग को शर्माने का लाइसेंस मिल गया ना स्वामी जी। शादी विवाह हो गया तो हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे सनम। अरतिया पतिया पतनामा। बकवास किए जा रहा है। अखरवा में घाट मेरे तरफ इशारा मत करो महारानी जी। हाँ जी लगा जाओ मैं पागल था जो घूम फिर के आइए। हम दोनों पुराने को मिलने दीजिए। पागल मत बनो स्वामी जी। तो आज शादी की पहली रात है। हाँ महारानी। तो चलिए मेरे साथ में यहाँ से अपना महल और महल चल के दोनों पुराने सुहाग रात मनाते हैं। चलिए महारानी। क्या हो हे महारानी? क्या हुआ आइए ना। बात तो तुम सही कहती हो। अच्छा आज मिलने और मिलाने की रात है। तो चलिए ना जल्दी से। शादी की पहली रात है। हाँ। अंचल कोहबर घर मनाने की बात है लेकिन महारानी दिल है कि मानता नहीं। दिल नहीं मानता है तो हम और आप मान जाते हैं। महाराज जब से बड़ी रानी गई है महल से। हाँ। ये महल देखो महारानी कितना सोना लग रहा है। ऐसा लगता है। हाँ। ऐसा लगता है बड़ी रानी के जाने के बाद मेरा कुछ खो गया है। स्वामी जी क्या करूं महारानी, मेरा दिल नहीं लगता है। इस सब पुरानी बात इन सबको भुला जाइए और आज से और अभी से। हाँ। जिंदगी सोने के अनिच यहाँ से नया स्टार्ट करते हैं। चलिए ना। हे महारानी आज मेरा मन नहीं लग रहा है। मैं सोचता हूँ अपने मन को लगाने के लिए घना बीच जंगल जाऊं और जी भर के शिकार करूं। चरहली। वाह महाराज हो तहू या भाग ले छो नहीं हम तहू या भाग ले छो महारानी जी लिहोरा करे छो बताओ। हाँ तो भाग छो। कहाँ भाग रहा? जंगल। हाँ अरे मैं शिकार करने जा रहा हूँ। जा या ना हमरा कथिया तो क्या होता? हम आगे लवा रही बहुत आगे जाने का मन हो रहा है। आगे मत जाओ पीछे रहा करो।
हेलो अभी बैठी कुछ मिल हेलो हेलो चरहली जबनिया ये सामी जी बर्दाश्त बर्दाश्त मम्मी पापा पापा के बच्चे हट जाओ सामने से चरहली जबनिया ये सामी जी बदल रहा हूँ तू इधर कर रहा तो, तो देखा सुना ना जो की हाँ क्या हुआ सब कर रहा था बच्चों को चोरा पर फिरी जाचो लाजो सर में उद्योग पी लो अरे तू बीच में कहाँ से आ जाता अमरबाज है लंडेबाज क्या कहा लंडेबाज अरे कब एक भी लव जागे निकाल दिया तो मैं तेरा जवान काट डालू स्वामी जी आप दोनों मुझे फुटबॉल बना करके खेल रहे हैं वही तो बात है महारानी तू बीच में आ जाती है फुटबॉल बनने के लिए इसीलिए जुल्मी भी तुम्हें इधर उधर उधर इधर करने लगता लेकिन स्वामी जी आप जंगल जाना चाहते हैं ना हाँ महारानी तो स्वामी जी अगर आपके पास समय नहीं है ना सिर्फ चलिए ना पांच मिनट मेरे साथ में रहिए हे महारानी क्या हुआ मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताऊंगा तू पांच मिनट की बात करती है मैं जब तक बचूंगा तब तक तुम्हारे साथ हूँ अच्छा और पहले मुझे इजाजत दो शिकार करने का ठीक है जब मैं जंगल से आऊंगा वापस फिर तुम्हारे साथ बड़े प्यार से अंचल कोहबर घर मनाऊंगा ए महारानी जी हाँ जी इसीलिए कहते हैं क्या कहते हैं अंगली में पहनने वाले अंगूठी को नगीना कहते हैं कहते हैं अंगली में पहनने वाले अंगूठी को नगीना कहते हैं हाँ जो इस चढ़ती जमाने चढ़ती जमाने कोनो कम जमाने है हाँ जो जो इस चढ़ती जमाने छोड़ के जाए इल्लफुआ को कमीना कहते और तो स्वामी जी आप जंगल जाएंगे हे महारानी ना जाने दिल क्यों नहीं मानता है इसलिए महारानी दिल है तो हम और आप मान जाइए और मुझे शिकार करने के लिए घना बीच जंगल जाना है और जी भर के शिकार करूंगा अपने मन को शांत करूंगा हेलो अहो या जुदी ना जे